चलो शुरू करते हैं। क्लास ट्वेल्थ मैथ्स का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का ये लेक्चर नंबर 5 है। आज हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है तो आप लोग इतना सिंपल सा समझेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कि अगर किसी कांस्टेंट का पावर कुछ रहे, जैसे 10 का पावर x, e का पावर x। अब e क्या है? तो e भी कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू कुछ 2 और 3 के बीच में होती है, या 2 का पावर x। ऐसा अगर हम लोग कर दें तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। जैसे अगर आप कंपेयर करेंगे ये y, ये x। अब अगर मैं बोलूं y बराबर x बनाइए तो आप सीधा लाइन खींच देते हैं y बराबर x का। अगर मैं बोलूं y बराबर x स्क्वायर तो ऐसा खींच देते हैं y बराबर x स्क्वायर। अगर y बराबर x क्यूब बोला जाए तो ऐसा टाइप का होगा, y बराबर x क्यूब। y बराबर x का पावर 4 तो ये y बराबर x का पावर 4, कुछ इस टाइप का बनता है ना। अब हम लोग देखते हैं अगर किसी कांस्टेंट का पावर, सोचिए आप अगर किसी कांस्टेंट का पावर कुछ रखा जाए तब क्या होगा। जैसे हम लोग y बराबर 10 का पावर x कर देंगे, ठीक है, तो y बराबर 10 का पावर x करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये 1 है, तो जब यहाँ पे x की जगह पे 0 रखेंगे, 10 का पावर 0 बराबर क्या होगा 1, तो जब 0 रहेगा तो ये पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट कुछ ज़्यादा ही फास्ट ऐसा टाइप से बढ़ेगा, ये इधर आएगा ऐसे। ये किसका है? y बराबर 10x का है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? ऐसा जो भी फंक्शन रहेगा जिसमें आपका कांस्टेंट जो है, मतलब ऐसा समझ लिया आप, जो भी पावर में रहेगा उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। तो मेनली हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या पढ़ना है कि कांस्टेंट का कुछ पावर रहे, ठीक है, कांस्टेंट का कुछ पावर रहे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस लिखते हैं, लिखा जाए क्या लिखा जाए, लेट, समझ रहे, कांस्टेंट का कुछ वेरिएबल पावर रहे, कांस्टेंट का, जैसे कुछ भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट आप ले लीजिए उसका कुछ वेरिएबल पावर है। अब आप देख लीजिए, अब इसका डेफिनेशन क्या है, लेट बी अ रियल नंबर सच दैट बी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, बी रियल नंबर है और आपको बी क्या लेना है, ग्रेटर देन 1 लेना है, ये इसका डेफिनेशन है। बी इज ग्रेटर देन 1, देन y बराबर एफ एक्स, कोई फंक्शन बराबर, मान लीजिए आपको क्या दे दिया है, b का पावर x, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसमें ज़्यादा घुसने का नहीं, बस आप ये समझ सकते हैं कि लेट b बी अ रियल नंबर, b क्या है, रियल नंबर है, सच दैट b क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा, 1 नहीं रहे, ठीक है, 1 से बड़ा रहे, देन y बराबर एफ एक्स बराबर b का पावर x, मतलब b से बड़ा कोई भी नंबर आप रखें, सॉरी 1 से बड़ा आप कोई भी नंबर रखें उसका पावर कुछ भी करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी x करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होना चाहिए रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, मतलब एक्स के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, एक्स के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, बात समझ आ रही है। तो रेंज क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। अब मैं आपको फिर से ग्राफ बता दूं, कैसा टाइप से आया था, कुछ इस टाइप से आया था, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट क्या था, 0, 1, ये y बराबर हम लोग क्या लिए थे, 10 का पावर x।
अब देखिए y ही तो है आपका रेंज, आंसर यही है ना। तो x की जगह पे आप जो भी वैल्यू रखें, भले आप नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, कभी भी आपका आंसर मतलब y क्या मिल रहा है, पॉजिटिव ही मिल रहा है ना। मतलब इस एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा है, x एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा है। वो x एक्सिस के नीचे आता तो इसका रेंज नेगेटिव भी आता, बात समझ आ रही। तो नेगेटिव y एक्सिस पे तो आ ही नहीं रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोले हैं कि डोमेन की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं एक्स की जगह पे, लेकिन रेंज जो है हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, खाली पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो इसको आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। अब एक दो नोटेशन और लिखेंगे कि अगर वाई बराबर एफ एक्स बराबर ई का पावर एक्स है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल एक्सपोनेंशियल, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। कॉन्स्टेंट की जगह पर अगर ई रहे, और अगर वाई बराबर एफ एक्स बराबर टेन का पावर एक्स रहे, बेस में टेन रहे, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको नोट कीजिए आप लोग, इसको नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसके बारे में हम लोग कुछ लिख लेते हैं, इसके फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या होगा। नोट कर लिए इसको, आ रहा है साफ साफ, नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका ग्राफ याद रखेंगे, एक रफली कुछ इस टाइप का, ये यहाँ पे क्या होगा, हमेशा जीरो वन ही होगा, क्योंकि ये क्या है, कुछ भी बी का पावर एक्स, तो बी का पावर वाई बराबर बी का पावर एक्स, तो बी के पावर एक्स मतलब एक्स के जगह पे जीरो रखेंगे तो कुछ भी नंबर रहे, बी के जगह पे हंड्रेड रहे, टेन रहे, टू रहे, थ्री रहे, ई रहे, वन ही आएगा, है ना। बी का पावर जो भी कीजिएगा, जीरो की जो भी बोल रहा हूँ, बी का पावर आप लोग जीरो कीजिएगा, आंसर वन ही आएगा। बी का पावर जीरो कीजिए या ई का पावर जीरो कीजिए या हंड्रेड का पावर जीरो कीजिए, आंसर वन ही आएगा। तो ये आपको एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब इसमें आप लोग क्या बोल सकते हैं, पहला पॉइंट मैंने बता दिया है, डोमेन बराबर क्या होगा, एनी रियल नंबर। दूसरा पॉइंट आप लोग क्या लिख सकते हैं, रेंज, रेंज, रेंज बराबर क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लोग क्या बोल सकते हैं, तीसरा पॉइंट आप लोग क्या बोल सकते हैं, जीरो वन इज कॉमन पॉइंट, इज अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। अब आप लोग क्या बोल सकते हैं, अब चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट हम लोग बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग, दैट इज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे ग्राफ में तो वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। लेफ्ट देखिए यहाँ पे कितना है, इतना, यहाँ पे कितना है, इतना, यहाँ पे कितना है, इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, तो लेफ्ट से आप राइट बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए अगर एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी रहे और निगेटिव रहे, मतलब एक्स की वैल्यू इधर कहीं रहे, एक्स की वैल्यू इधर कहीं रहे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, टेंड्स टू जीरो, लगभग जीरो के करीब आएगा, ठीक है। ये पांचवा चीज था, आप लोग इसको लिख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं लॉगरिदम फंक्शन क्या होता है, लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन। तो अब देखिए जैसे लॉग पहले भी आप लोग को शायद मैं पढ़ा चुका हूँ, लॉग पहले आप लोग को, एक सेकेंड। अब जैसे कहीं पर लिखा है, पहले एक काम करता हूँ मैं, पहले आप लोग को डेफिनेशन लिखा देता हूँ लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो इसमें वैसे ही लिखते हैं, लेट बी बी अ रियल नंबर सच दैट बी इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, बी इज ग्रेटर देन वन लिखिए। अब क्या लिखा जाए, देन वी से लॉगरिथम
ऑफ ए, देन वी से लॉगरिथम ऑफ ए टू बेस बी इज एक्स इफ अब ये देखिए, अभी समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, बता रहा हूं, इफ बी का पावर एक्स बराबर ए, ठीक है, डिनोटेड बाय लॉग ए ऑन बेस बी, इसी चीज को मैं लिख रहा हूं, क्या बोल रहा है, लॉगरिथम ऑफ ए मतलब लॉग ए टू बेस बी, बेस बी इज मतलब इज इक्वल टू एक्स, ये ऐसा हम लोग लिखेंगे, कब, यदि इफ बी का पावर एक्स बराबर ए, इसको छोड़िए, बस ये याद रखेंगे बी क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा, वन से बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो अब देखिए ये क्या है, ये क्या है बेस, ठीक, ये क्या है पावर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर है, तो लॉग क्या बता रहा है, अब देखिए जो यहां बेस था वो यहां भी क्या है, बेस है वो, और ये जो आंसर आ रहा है ये क्या है, पावर है। अब कुछ एग्जांपल हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है, देखिए कुछ एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने लिखा कि 2 का पावर 5 बराबर 32 होता है, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, अब अगर मैं इसको लॉग में लिखूं, देखिए फिर से मैं यहां लिख रहा हूं, ये देखिए ये क्या है बेस है, ये क्या है पावर है, ठीक है। तो अब अगर मैं लिखूं लॉग 32 जो इसका आंसर है ऑन बेस 2, तो अब आपसे आंसर पूछा जाए, तो लॉग में बस ये बताना रहता है कि इस बेस का क्या पावर किया जाए कि 32 हो जाए, तो बेस का क्या पावर करेंगे, 32/5 आ गया, बात समझ आ रही। अब अगर मान लीजिए लिखा जाए 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर या 5 का पावर 4, तो ये देखिए ये क्या है बेस है, ये क्या है बेस है, ये दोनों क्या है पावर है। तो अब मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूं, अब अगर आपसे पूछ दे कि log 625 ऑन बेस 25, मतलब ये पूछ रहा है 25 का log क्या पूछ रहा है, इस बेस का क्या पावर किया जाए कि 625 आ जाए, तो आप जान रहे हैं 2 करेंगे पावर। अब इसको लिख रहा हूं log 625 बेस लीजिए 5, तो 5 का पावर क्या किया जाए 625 आ जाए, तो 4 करेंगे 5 का पावर, तो 4 इज आंसर। तो अब इस चीज को आप समझिए, उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा, अब आप इस चीज को कंपेयर कीजिए, लॉग क्या पूछता है कि बेस का पावर क्या करें, बेस का पावर क्या करें कि आंसर क्या आ जाए, ए आ जाए, लॉग का पावर, लॉग का पावर लॉग में लॉग ए ऑन बेस बी इज इक्वल टू एक्स है, तो बस ये पूछ रहा है आपसे कि इस बेस का क्या पावर करें कि आंसर ए आए, तो हम लोग जान रहे हैं बेस का पावर एक्स होगा तब आंसर ए आएगा, ये है लॉग, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आपने लिखा है कि लॉग ए ऑन बेस बी इज इक्वल टू एक्स, तो इस ये कब होगा, इफ जब b का पावर x बराबर a है, log क्या पूछता है b का पावर क्या करें, b का पावर क्या करें, ये क्या है पावर है, इस बेस का पावर क्या करें कि a आ जाए, तो बेस का पावर x करेंगे तो a आएगा, ये हम लोग जान रहे हैं, तो ये पता था तब ऐसा हम लोग लिख दिए, ये ऐसा आप लोग बोलिएगा ऐसा होगा जब ये होगा, ठीक है, बात समझ आ गई। अब हम लोग लॉग के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पे कि जैसे कहीं पे लिखा है लॉग, मान लीजिए लिखा है लॉग, इसी को लिख रहा हूं ना, लॉग ए ऑन बेस ई बराबर एक्स, तो इस लॉग को क्या बोलेंगे,
नेचुरल लॉग या लॉगरिथम, ठीक है। अगर लिखा है लॉग ए ऑन बेस 10 इज इक्वल टू एक्स, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। लॉग के बारे में बस ये जानकारी चल रहा है, इसको आप लोग नोट करेंगे, ये जानकारी लिखना है आप लोग को, ये सब नोट करना है, ठीक है। अब इसके फिर इसके भी हम लोग डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक बार मैं इन सब का आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। इस टाइप का कुछ है थोड़ा, तो ये क्या है, y बराबर log x ऑन बेस 10, ठीक है। ये क्या है, y बराबर log e ऑन बेस x, सॉरी log x ऑन बेस e, ये क्या है, log x ऑन बेस 2, ठीक है। ये जो इसमें कॉमन पॉइंट आ रहा है, ये क्या है, x आपने क्या रखा है, 1 रखा है, तो y कितना आया, 0। अब इसको फिल कीजिए, किसी भी एक लॉग में हम लोग चलते हैं, लॉग में हम चलते हैं, तो जैसे हमने लिखा y बराबर log ex या 10x, अब आपको आंसर क्या चाहिए, आंसर आपको क्या चाहिए, जीरो चाहिए। जीरो कब आएगा, ठीक है। या ऐसा आप बोलिए कि आपको, सपोज आप 1 रख देते हैं, जीरो छोड़िए, आपको क्या लाना है, x की जगह पे 1 रखना, अगर आप 1 रख दें, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है कि 10 का पावर हम क्या करें कि 1 आ जाए, तो भाई 10 का पावर, 10 का पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 0 हो गया आंसर, पावर को इधर लिखते हैं। अब अगर वही यहाँ पे e रहे, e का पावर क्या किया जाए कि 1 आ जाए, e का पावर 0, अब वही अगर बेस 2 दे दे, 2 का पावर क्या किया जाए, 2 का पावर क्या रखा जाए कि 1 आ जाए आंसर, तो 2 का पावर 0। बात समझ आ रही है, इसको लिखेंगे आप लोग, ठीक। अब उसमें कुछ हम लोग नोट किए थे एक्सपोनेंशियल में, तो इसमें भी हम लोग कुछ नोट करेंगे। अब एक चीज, एक आध चीज और इसमें देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला पॉइंट बोलता है, वी कैन नॉट मेक मीनिंगफुल डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम ऑफ नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स, हेंस डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन इज, पहला डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन इज पॉजिटिव रियल नंबर, जस्ट उसका उल्टा हो गया, उसका रेंज था पॉजिटिव रियल नंबर। अब ये बोल रहा है कि आप डोमेन में, मतलब अगर लॉग ई एक्स इस टाइप का कुछ है, तो यहाँ पे आप एक्स के जगह पे निगेटिव नहीं ले सकते हैं, बता रहा हूँ क्यों नहीं ले सकते हैं। अब आप सोचिए, मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ निगेटिव लिख देते हैं, अगर यहाँ पे कुछ निगेटिव आप रख लीजिए, कुछ भी निगेटिव रख लीजिए, तो ई का पावर क्या किया जाए कि नेगेटिव आ जाए, तो e का पावर या 10 का पावर, बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर, इसी को क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव है, या दूसरे तरीके से जो मैंने पढ़ा था वो क्या बोल रहा था, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, नॉन पॉजिटिव मतलब जो रियल नंबर पॉजिटिव नहीं है उसके लिए हम लोग लॉग नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, तो ये तो हमारा आंसर है ना, एक्स क्या है हमारा आंसर, मतलब हम लोग ऐसे देखते हैं 10 का पावर क्या किया जाए कि आ जाए। अब सोचिए 10 का पावर या ई का पावर या बेस 2 का पावर, अगर इन सब में पूछे, अगर ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो आपसे पूछा जाए कि इस 10 का पावर क्या किया जाए कि माइनस एक्स आ जाए, नॉट डिफाइंड। आप बोलेंगे हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, भाई 10 का पावर कुछ भी रख लीजिए आप, लेकिन नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। e का पावर आप कुछ भी रखिए, पूछ रहा है e का पावर क्या किया जाए कि माइनस एक्स आ जाए, डिफाइन नहीं कर सकते। 2 का पावर क्या रख दिया जाए, 2 का पावर क्या रख दिया नेगेटिव आ जाए, कुछ नहीं रख सकते, क्या रखेंगे, डिफाइन नहीं कर सकते आप इसको ठीक से। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला, डोमेन मतलब x का जो वैल्यू है वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। आप पॉजिटिव रियल नंबर का ही लॉग निकाल सकते हैं,
समझा दिया, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ निगेटिव रहेगा तो 10 का पावर आप कुछ भी कीजिए निगेटिव आएगा ही नहीं, इसीलिए बोला हम लोगों ने, ठीक है। दूसरा दूसरा पॉइंट रेंज बराबर क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा है, कोई भी रियल नंबर आएगा, ठीक है। तीसरा उसमें कॉमन पॉइंट 01 था, इसमें पॉइंट क्या होगा, लॉग फंक्शन का कॉमन पॉइंट, कोई भी लॉग फंक्शन आप लेंगे तो 10 होगा कॉमन पॉइंट। बात समझ आ रही है? अब देखिए लॉग चौथा लिखेंगे, चौथा नोट के, ये सब एनसीईआरटी में दिया है, लॉग फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ग्राफ जो था याद कीजिए, कैसा था ग्राफ, ऐसा टाइप का था। अब अगर आप इसी टाइप का था ना, हाँ इसी टाइप का था। अब अगर आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वही बता रहा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगी वैल्यू। और अगर आप जीरो के बहुत पास पहुंचेंगे, ठीक है, तो ये वाई एक्सिस को, नेगेटिव वाई एक्सिस को अप्रोच कर, अगर आप जीरो के पास पहुंच रहे हैं तो नेगेटिव वाई एक्सिस को अप्रोच करेगा, लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस पे मिलेगा नहीं वो, ठीक है। तो अब एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, एक ही ग्राफ में लॉग का और एक्सपोनेंशियल का दोनों का हम लोग डायग्राम बना के देखते हैं एक ही में, ठीक है। तो लॉग एक्सपोनेंशियल पहले बनाते, कुछ किस टाइप का होता था, इस टाइप का होता था, ठीक है। और आपका लॉग किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। ये क्या है, वाई बराबर ई का पावर एक्स, ये क्या है, वाई बराबर लॉग एक्स ऑन बेस ई। बात समझ आ रही है, लॉग एक्स ऑन बेस ई, और इसके बीच में अगर ऐसा आप लोग बना दें सीधा लाइन, तो ये क्या है, वाई बराबर एक्स का, तो ये कंपेयर कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये फिगर हमको क्या बताता है, प्लॉट ऑफ वाई इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स एंड वाई इज इक्वल टू लॉग ई एक्स। एक चीज मैं यहां आप लोगों को नोट कराना चाहता हूं, वाई बराबर लॉग एक्स ऑन बेस ई को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एन एक्स, क्या लिख सकते हैं, एल एन एक्स, एल एन मतलब लॉग ऑन बेस ई, ठीक है। हो गया। इसमें आप लोग एक और चीज देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है ना, इसके अबाउट वाई बराबर एक्स के अबाउट मिरर टाइप का दिख रहा है, तो ये मिरर इमेज है, हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ लॉग का प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है, लॉग का कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो लॉग के प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बेस चेंज रूल। सबसे फर्स्ट क्या देख लिया जाए, चेंज ऑफ बेस रूल। चेंज ऑफ बेस रूल क्या है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ये काम आएगा। जैसे लॉग पी ऑन बेस ए है, ये बहुत काम आएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। लॉग इसका मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। लॉग पी ऑन बेस ए है, अब आपको इसको बी बेस में, किसी बी बेस में चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग पी ऑन बेस बी अपॉन लॉग ए ऑन बेस बी। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए, इसको याद कर लेंगे। डेरिवेशन है लेकिन उतना कुछ वो नहीं कि आप लोग कराया जाए आपके काम का, ऐसा कुछ नहीं, बस इसको आप लोग नोट कीजिए, लॉग पी ऑन बेस ए क्या होगा। आप देखिए आपको क्या करना है, चेंज ऑफ बेस रूल है ये, मतलब बेस चेंज करना है, ए से चेंज करके बेस कुछ भी हम बी कर देंगे। तो हम लोग इसी पी को क्या लिखेंगे, ए और पी था ना यहां बेस चेंज करना, तो एक बार हम लोग लिखेंगे लॉग पी ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, लॉग ए, लॉग पी लॉग ए, और दोनों का जो भी बेस आपको चाहिए सेम बेस वो बेस आप दे देंगे दोनों का। बात समझ आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ बेस रूल। फिर से बोल रहा हूं, इसको आप लोग नोट करेंगे कि
कि अगर log p ऑन बेस a है, टेक्निक याद रखेंगे, log p ऑन बेस a है, या लिखा रहे log x ऑन बेस मान लेते हैं z, तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्निक सुनिए इसको, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, एक बार लिखेंगे log x और एक बार लिखेंगे यहाँ जो बेस था उसका log, log z। अब दोनों का जो भी आपको बेस चाहिए वो बेस लगा दीजिए, इसका लॉग करेंगे डिवाइडेड बाय इसका लॉग करेंगे। बात समझ आ रही है, बेस चेंज करना है, फिर से बता रहा हूँ, बेस चेंज करना है, जो भी यहाँ आपको लिखना है ए बी सी पी क्यू वो आप लोग कर देंगे। बेस चेंज करना है, लॉग पी ऑन बेस ए, इस लॉग का बेस चेंज करना है, तो आप लोग एक बार लिखेंगे लॉग पी, फिर उसमें डिवाइड कर देंगे लॉग ए से, मतलब जो बेस था एक बार जिसका लॉग है उसका तो लेंगे ही, लॉग पी है तो लॉग पी लिए, फिर अब क्या कर रहे हैं आप लोग कि जो बेस था उसका भी लॉग ले लेते हैं, तो बेस ए है तो बेस ए का लॉग क्या हो जाएगा, लॉग ए। अब दोनों में जो बेस आपको चाहिए वो बेस आप लोग लगा लेंगे, 10 बेस 2 बेस जो भी चाहिए वो आप लोग लगा लेंगे। समझ आ गया, ये पहला था, ये पहला था। दूसरा, दूसरा लॉग ए इंटू बी, इसको क्या लिखेंगे, log a प्लस log b। बात समझ आ रही है, अब अगर लिखा है आपका log a प्लस log b तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log a इंटू बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जो भी आपको लिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको नोट कर लेंगे, log a इंटू बी, तो इंटू क्या बच जाएगा, एड में बदल जाएगा, log a प्लस log b, ये सब आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए तीसरा, अब अगर आपसे बोल दे कि log a स्क्वायर, अब इसी फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा, log इसको a स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हैं, log a इंटू ए बराबर log a प्लस log a बराबर 2 log a। इतना एक्सपेंड करके मैंने आपको दिखाया है। अब हम लोग को डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना है कि log a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 log a। क्या याद रखना है हमको कि log a स्क्वायर या log का स्क्वायर है तो उसका जो पावर है, उसका जो पावर है वो बाहर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी पे एक फॉर्मूला बना, ये करके दिखाया मैंने, इसीलिए लिखा है मैंने। अब एक फॉर्मूला बना लेते हैं, log a का पावर n, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पावर हम लोगों ने यहां देखा जो पावर है वो बाहर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो n log a, ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया, ये भी काम होने, काम आने वाला है। मतलब log a है और a का पावर n है, तो पावर जो है वो बाहर आके log के मल्टीप्लाई हो जाता है, उसका रीजन ये दिया है मैंने, इसी फॉर्मूले को यूज करके आपको करके दिखा दिया है कि जो पावर है वो बाहर में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। लास्ट 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 फोर्थ लिखेंगे कि log a अपॉन b, ये क्या होगा, log a माइनस log b, मल्टीप्लाई में प्लस होगा और डिवाइड में माइनस होगा, माइनस कौन होगा, जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है। इस फॉर्मूले को उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे, इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। ये समझ आ गया, समझ आ गया ना, ये करके दिखाया मैंने कि log a स्क्वायर है तो a स्क्वायर को हम a इंटू ए लिखेंगे, अब ये वाला फॉर्मूला लगा log a प्लस log a, तो राम प्लस राम 2 राम, तो 2 log a। तो हम लोग अगर इसको देखें और इसको देखें तो हम लोग क्या सीखें कि जो पावर है वो बाहर में मल्टीप्लाई हो जाता है, log में जो पावर है, log a है तो a का जो पावर है वो बाहर मल्टीप्लाई होगा, तो हम फॉर्मूला क्या निकाल लिए कि log a का पावर n, तो n आके बाहर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, एकदम याद रखेंगे, ये बेस चेंज रूल भी याद रखेंगे। इसका टेक्निक फिर से बता रहा हूँ मैं कि अगर log p ऑन बेस a है, अब आपको इसका बेस बदलना है, तो आप क्या लिखेंगे, एक बार log p लिखिए डिवाइडेड बाई log a लिखिए, अब दोनों का जो बेस आपको देना है वो बेस दे दीजिए। ये सारे रूल्स आप लोग को याद रहने चाहिए, ठीक है, ये सारे रूल्स आप लोग को याद रहने चाहिए, इसको आप लोग नोट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि डेरिवेटिव क्या होगा इसका, ठीक है।
डेरिवेटिव क्या होगा। और कुछ छूट तो नहीं रहा, चार रूल लिखा ना आप लोगों ने, चार रूल लिखा, और क्या लिखा दिया जाए। चलिए सब तो हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज़ और लिखेंगे आप लोग, एक चीज़ और आप लोग नोट करेंगे। चार चीज़ लिखा आप लोगों ने, एक पावर वाला लिख लिया, मल्टीप्लाई बेस चेंज करने का रूल लिख लिया, एक और लिखेंगे पांचवा, पांचवा कि अगर आपसे पूछ दे कि लॉग एक्स या लॉग ए ऑन बेस ए, ठीक है, सिंपल आप लोग एकदम जवाब दे सकते हैं। ए का पावर, इसका आंसर क्या होता है, लॉग का पावर, लॉग का आंसर क्या होता है, लॉग, जैसे अगर दे दिया है बी का पावर एक्स बराबर ए अगर है तो हम लोग लॉग ए ऑन बेस बी लिखते हैं, फिर हम लोग क्या बोलते हैं बी का पावर क्या किया जाए कि ए का ए आ जाए, तो बी का पावर एक्स करते हैं तो एक्स। तो वैसे यहां ए का पावर क्या करें, ए का पावर क्या करें कि ए आ जाए, तो ए का पावर वन, ए का पावर वन बराबर ए। तो वैसे ही जब आपको मिलेगा बेस और जिसका आप लॉग निकाल रहे हैं वो सेम रहेगा, तो आंसर वन आएगा, लॉग ई ऑन बेस ई वन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप लोग जानते हैं लॉग क्या पूछ रहा है कि इस ई मतलब क्या है, बेस, इस बेस का क्या पावर करें, क्या पावर करें कि ई आ जाए आंसर। बात समझ आ रही है, क्या पावर करें कि ई आ जाए आंसर। अब आपसे पूछ दे लॉग वन ऑन बेस ई क्या होगा, जीरो, ये क्या है पावर, सॉरी बेस, ये क्या है बेस। तो इस बेस का अगर हम लोग जीरो पावर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको। अब एक और चीज आप लोग लिख लेंगे, एक और चीज सिक्स्थ, कि अगर लिखा है लॉग एक्स ऑन बेस ए, अब अगर आप बेस को और जिसका लॉग निकाल रहे हैं उसको इंटरचेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई लॉग ए एक्स, काम आ सकता है ये भी, एडिशनल में लिख लेंगे आप लोग इसको, एडिशनल में इसको लिख लेंगे। अगर हम लोग जिसका आप लॉग निकाल रहे हैं वो और बेस को अगर एक्सचेंज कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ई का पावर एक्स ही होता है पहला, इसको नोट करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। अब लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो लॉग एक्स का देखिए अगर कहीं पे बेस कुछ नहीं दिया है तो आप लोग उसको कौन सा बेस मानेंगे, ई बेस मानेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या होता है वन बाई एक्स। अब ये दोनों आप लोग याद रखें, इससे हम लोग कुछ रिजल्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कुछ रिजल्ट क्या निकाला जाए देखिए, तो अब अगर आपसे बोले, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया, अब अगर आपसे बोले कि भाई साहब बताइए कि ए का पावर एक्स का क्या होगा, इसको भी बहुत कोई रट लेते हैं, पहला अगर ये पूछ रहा है कि ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब देखिए आप लोग यहां डी एक्स का पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या होता है, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, ठीक है, इसको आप लोग यहां पे यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल का कुछ पावर है, ठीक है, ये फंक्शन का कुछ पावर है, और यहां क्या है कॉन्स्टेंट का पावर वेरिएबल है, यहां वेरिएबल का पावर कॉन्स्टेंट, यहां कॉन्स्टेंट का पावर वेरिएबल, तो ये जस्ट उल्टा है, तो इसमें ये यूज नहीं होगा। बात समझ आ रही है, इसमें ये यूज नहीं होगा। तो अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, इसको ये तो हमको निकालना है, तो अब हम लोग इसको कैसे निकालें, कैसे निकालें, बात समझ आ रही है ना, एक्स का पावर एन वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि एक्स का पावर एन क्या है, वेरिएबल का पावर कॉन्स्टेंट, और यहां क्या है कॉन्स्टेंट का पावर वेरिएबल, अब ये तो फॉर्मूला नहीं लग रहा है, बात समझ आ रही है। तो अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे कि डेरिवेटिव यूज करेंगे, मान लेंगे लेट वाई बराबर क्या है ए का पावर एक्स, अब आप क्या करना है यहां पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग वाई बराबर
लॉग ए का पावर एक्स, और जस्ट अभी आप लोगों ने सीखा है लॉग ए का पावर जो रहेगा वो बाहर आ जाएगा, तो लॉग वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स पावर है बाहर आ गया, लॉग ए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स किसका, लॉग वाई का, फिर डी बाई डी एक्स किसका, एक्स लॉग ए का। ठीक है, इसको मैं मिटा लूँ, अब इसके आगे यहां लिख रहा हूं। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई, फिर डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल, चेन रूल, नीचे डी एक्स चाहिए। अब इधर देखिए ये कॉन्स्टेंट है लॉग ए, तो लॉग ए निकल जाएगा बाहर, ये क्या हो गया डी एक्स बाई डी एक्स। अब ये देखिए log y with respect to y, log x with respect to x, 1 by x, तो log y with respect to y, 1 by y, dy by dx बराबर log a था ना, log a into dx by dx, 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, dy by dx बराबर y को उस साइड भेज दीजिए, y log a, समझ आ रहा है, क्या हो गया y log a। अब आप लोग इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको नोट करेंगे, अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें y की वैल्यू रख देंगे, तो d y की जगह पे a का पावर x बटा dx एक्स इज इक्वल टू, यहां क्या है y है, y बोले तो a का पावर x, और ये log a, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट रट लेते हैं लोग, देखिए ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, बाकी और सारे फॉर्मूलाज हम लोग 11th में करके ला चुके हैं ना फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो ये देख लीजिए ये आ गया, इन्हीं सब के हेल्प से ये निकल गया। इसको आप लोग नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको आप लोग, हो गया, हो गया, मिटाल दो। ठीक है, अब ऐसे ही एक और फॉर्मूला लिख देंगे, ये क्या है log on base e है। अच्छा, अब क्या होगा जब अगर d by dx, अब log तो है, log x है लेकिन base e नहीं है, मतलब कुछ नहीं दिया है तो e है base, यहां base क्या है a है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 by x log a, इसको भी नोट कर लेंगे, इसको भी ऐसे ही हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको, इसको प्रूव करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, ये भी वैसे ही आएगा। आप लोग क्या मान लेंगे, लेट y बराबर या log x ऑन बेस a बराबर y। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, इस log का मतलब क्या है, a का पावर y बराबर x, a का पावर y करेंगे तो x आएगा। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, डी ए का पावर वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स बराबर डी एक्स बाई डी एक्स, इसको मिटाल देता हूँ। अब ये देखिए ए का पावर वाई, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए का पावर एक्स वाला, तो ए का पावर वाई वाई के रिस्पेक्ट में होगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी एक्स बाई डी एक्स, वन हो जाएगा। अब ए का पावर वाई, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ए का पावर वाई लॉग ए, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वन। अब आगे आप लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वन बाई ए का पावर वाई लॉग ए, ठीक है, ए का पावर वाई लॉग ए। अब देखिए ए का पावर वाई का वैल्यू क्या है, एक्स है, तो अब पुट कर दीजिए, ए का पावर वाई एक्स है, और वाई क्या है, वाई का वैल्यू क्या है, लॉग एक्स ऑन बेस ए बाई डी एक्स बराबर, यहां देखिए वन अपॉन, अब ए का पावर वाई क्या है, एक्स है, एक्स लिखिए यहां, और लॉग ए आ गया ना, एक्स लॉग ए। ठीक है, नोट कीजिए इसको, देखिए एक्सरसाइज 5.4, एक्सरसाइज 5.4 आप लोगों से बन जाएगा, जिनको डाउट होगा वो मेरे से पूछेंगे।
यही सब फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला यूज करके, जैसे आपको बोल दिया है कि मान लीजिए साइन वाई बराबर साइन लॉग एक्स, अब इसमें दिया हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब आपको बोल दे कि इसको डिफरेंशिएट किए, तो आप लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डीवाई बाई डी एक्स बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब देखिए आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आता है क्या, कॉस एक्स आता है, मतलब जो है उसी के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन लॉग एक्स किसके रिस्पेक्ट में होगा, चेन रूल यूज कीजिए लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर चेन रूल लगाइए लॉग एक्स बटा डी एक्स। अब ये देखिए इसका क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स, है ना भाई, साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स, तो साइन लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स कॉस लॉग एक्स, ठीक है, जो है उसी के रिस्पेक्ट में, ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स का वन बाई एक्स। इस टाइप से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, नोट कीजिए इसको। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है y बराबर ये एग्जाम्पल का ही मैं उठा के बता रहा हूं ताकि आप लोग को थोड़ा सा फील हो, कॉस इनवर्स e का पावर x, तो फिर वही लिखेंगे कहानी, डिफरेंशिएट आप लोग को लिखना है डिफरेंशिएटिंग, लो मैं भी लिख देता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy वाई बाई डी एक्स बराबर डी कॉस इनवर्स e का पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहां चेन रूल लगाएंगे तो कॉस इनवर्स x किसके रेस्पेक्ट में होता है, x के रेस्पेक्ट में होता है, तो कॉस इनवर्स e का पावर x किसके रेस्पेक्ट में होगा, e का पावर x, चेन रूल लगाएंगे, फिर e का पावर x किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में होगा। अब लगा लीजिए वैल्यू, पुट कर दीजिए यहां से जो आता है, बात समझ आ रही है, जो भी आपको दे दे, या आपको दे दे, या आपको दे दे कि y बराबर e टू पावर cos x दे दे, ठीक है, तो आप लोग वही करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d किसका, e का पावर cos x का विथ रेस्पेक्ट टू x, होगा नहीं तो e का पावर x, e का पावर x x के रेस्पेक्ट में होता है तो e का पावर x आता है, तो हम लोग e का पावर cos x के रेस्पेक्ट में होगा, चेन रूल यूज कर लें, फिर cos x x के रेस्पेक्ट में, चेन रूल बहुत ही शानदार रूल है, ठीक है। तो 5.4 ये आप लोगों से पूरा बन जाएगा, एकदम 100% बनेगा, जिनसे भी नहीं बनेगा वो मेरे को बताएंगे। अब देखिए, जैसे अब एक शानदार यूज बता रहा हूं 5.4, अब हम लोग देख रहे हैं क्या 5.4 एक्सरसाइज 5.4 के बारे में अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग क्या सीखेंगे, डिफरेंशिएटिंग यूजिंग लॉग, ठीक है, लॉग लेके, अभी जो फॉर्मूला मैंने प्रूफ किया था आप लोग को ए का पावर एक्स, वैसे ही करेंगे। अब जैसे वाई बराबर दे दिया है, क्वेश्चन है हमारा एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है, अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ऐसा कुछ दे दे आपको, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट का मतलब क्या होता है, पावर वन बाई टू, तो एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव पूरे का पावर वन बाई टू, रूट का मतलब क्या होता है, पावर वन बाई टू। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो देखिए लॉग लेके कितना आसान हो जाएगा काम, लॉग वाई बराबर लॉग पूरे का लॉग, एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव पूरे का पावर वन बाई टू, ठीक है, पूरे का पावर वन बाई टू। अब आप लोग क्या देखे थे, लॉग में जो पावर रहता है वो बाहर आ जाता है, तो लॉग वाई बराबर क्या हो जाएगा, वन बाई टू बाहर में, और ये क्या हो जाएगा, वन बाई टू बाहर लॉग एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, इतना पूरे का लॉग। अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, अब आप देखिए,
अगर कहीं लिखा था log a इंटू बी, तो आप उसको क्या लिख सकते लिखते थे, log a प्लस log b, ठीक। अब कहीं लिखा होता था log a बाई बी, तो इसको क्या सीखे थे आप, log a माइनस log b, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अब इसको मैं वैसे ही कर रहा हूँ। अब देखिए ये समथिंग अपॉन समथिंग है, समथिंग अपॉन समथिंग, तो ये पूरा a है, हाफ को आप रखिए बाहर, तो ये क्या हो जाएगा log a की जगह पे क्या है x माइनस थ्री पूरा पैकेट x स्क्वायर प्लस फोर। ये क्या है, ये है a और ये है b, तो क्या होता है log a माइनस log b। अब b की जगह पे क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, बात समझ आ रही है। ए बी करके सॉल्व कर दे, ऊपर वाला मिटाल रहा हूँ। अब देखिए, अब देखिए, अब यहाँ फिर ये क्या है ए और ये क्या है बी, ए इंटू बी, फिर यहाँ ए इंटू बी लगा लीजिए, तो लॉग वाई बराबर ये क्या हो जाएगा 1/2 बाहर, फिर लॉग, मैं डायरेक्ट अभी जो लिख रहा हूँ ना, मैं इसके बाद डायरेक्ट उसको लिख सकता था इसको, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए बस लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस फोर, फिर माइनस लॉग थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट लिख सकता था। अब देखिए अगर मान लीजिए दिया है कि लॉग ए इंटू बी बटा सी, इसी टाइप का दिया है, इसी टाइप का है, तो अब मैं इसको डायरेक्ट क्या लिखूंगा, लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी। भाई लॉग ए प्लस लॉग बी और जो डिवाइड में रहता है वो माइनस, सिंपल। अगर जिसको ये समझ आ गया उसको ये दो एडिशनल स्टेप करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये दो एक डायरेक्ट एक स्टेप में वो लिख देगा, बात समझ आ रही है। ए बी जो जो ऊपर में है वो प्लस में रहेगा, तो लॉग ए ऊपर है प्लस में, लॉग बी भी ऊपर है प्लस में, फिर सी नीचे है तो लॉग सी सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो डिनोमिनेटर में, बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। अब आप लोग को क्या करना, अब आपका सिंप्लीफाई हो गया है, अब बस आपको डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है, डिफरेंशिएट कर देना। आप लोग को क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब ये देखिए डी लॉग वाई बटा डी एक्स, अब ये d बाई डी एक्स किसका, इस पूरे का, हाफ ऑफ log x माइनस थ्री प्लस log x स्क्वायर प्लस फोर माइनस log थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, इस पूरे का, ठीक। इस नीचे वाला भी मिटाल रहा हूँ, नीचे वाला भी मिटाल देता हूँ। अब देखिए log y तो x के रेस्पेक्ट में है तो y के रेस्पेक्ट में ही होना चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रेस्पेक्ट टू y, फिर dy by dx बराबर, बात समझ आ रही। देखिए आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता, u into v लगाने का अगर आप लोग सोचते तो उसका स्क्वायर रूट निकालो, क्या क्या करो, हालत ख़राब हो जाती, ठीक है। चेन रूल लगा के भी कर सकते थे लेकिन बहुत लेंदी जाता। हाफ निकाल लीजिए आप बाहर, इसको आप लोग क्या लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स माइनस थ्री विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होगा नहीं, चेन रूल एक्स माइनस थ्री फिर डिफरेंशिएशन एक्स माइनस थ्री, हालांकि ये मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, लीनियर में रहे डायरेक्ट, तो डी एक्स, फिर अब इसका प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस फोर, किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर के रेस्पेक्ट में होगा, फिर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स के रेस्पेक्ट में, इसको लिखिए माइनस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, किसके रेस्पेक्ट में होगा, इसी के रेस्पेक्ट में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। अब ये क्या हो जाएगा इंटू डी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है, ये आ गए यहाँ तक।
अब ऊपर का मिटाल देता हूँ, यहीं पे करता हूँ। देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई डी लॉग वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई, 1 बाई वाई भाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बराबर 1 बाई एक्स, मतलब जो है लॉग के साथ उसी के रेस्पेक्ट में होगा तो 1 बाई जो है वही आ जाएगा। बात समझ आ रही है, लॉग अंडा का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू अंडा इजिकल्स टू 1 अपॉन अंडा, लॉग समोसा का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू समोसा इजिकल्स टू 1 बाई समोसा, लॉग रसगुल्ला का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू रसगुल्ला इजिकल्स टू 1 बाई रसगुल्ला, बस ये याद रखेंगे। अब ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इधर देखिए हाफ को आप बाहर रहने देंगे, इसका क्या हो जाएगा, लॉग समोसा विथ रेस्पेक्ट टू समोसा क्या होगा, 1 बाई समोसा, ठीक है। और अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का आएगा 1, 3 का आएगा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, log रसगुल्ला विद रेस्पेक्ट टू रसगुल्ला, तो क्या हो जाएगा 1 बाई रसगुल्ला, तो रसगुल्ला क्या है यहां एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू, अब आप एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा और 4 का करेंगे तो 0 आएगा, फिर माइनस, अब इसका कीजिए log डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग समोसा विथ रेस्पेक्ट टू समोसा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग समोसा विथ रेस्पेक्ट टू समोसा इजिकल्स टू 1 अपॉन समोसा, तो समोसा यहाँ क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू, अब इसका करेंगे आप 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 दुना 6 6x आ जाएगा और 4x का आ जाएगा 4, ठीक है, और 5 का आ गया 0। इसको भी मिटाल देता हूँ। अब देखिए अब आप लोग क्या करेंगे तो dy वाई बाई डी एक्स बराबर y को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा y इंटू 1/2, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहें तो अंदर वाले को LCM लेके सॉल्व कर सकते हैं या मत सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 बाई एक्स माइनस 3 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 सॉरी यहाँ 2x आ जाएगा माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। y की वैल्यू जो आप लोगों ने लिया था रूट में वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आ गया आंसर, बात समझ आ रही है, आ गया आंसर निकल गया, समझ आया ना, उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, हम लोगों ने ये सीखा है पावर वाले में कि x का पावर n है तो हम लोग निकाल लेंगे, a का पावर अगर x है, मतलब एक बार हम लोग वेरिएबल का पावर कांस्टेंट भी जान गए हैं और कांस्टेंट का पावर वेरिएबल भी जान रहे हैं, अब अगर आ जाए वेरिएबल का पावर वेरिएबल तो कैसे करेंगे आप लोग, लॉग यूज करेंगे। मान लीजिए आपको बोल दे कि x का पावर sin x को डिफरेंशिएट कीजिए, बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, हलवा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये नया क्या मिल गया आपको कि पावर वेरिएबल का पावर वेरिएबल, ये तो सीखा ही नहीं है हम लोग, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट सीख चुके हैं, डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं, फिर क्या सीख चुके हैं, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट सीख चुके हैं और कांस्टेंट का पावर वेरिएबल भी सीख चुके हैं, दोनों डिफरेंशिएशन। अब इसको क्या करेंगे तो y मान लेंगे इसको, फिर क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, log y बराबर log ऑफ x का पावर sin x, तो log y बराबर क्या हो जाएगा, जो पावर रहता है लॉग का वो बाहर आ जाता है, तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, लो भाई हो गया हलवा, हो गया काम आसान। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी लॉग वाई विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स किसका, साइन एक्स इंटू log x का, अब आप इधर u इंटू वी लगा लीजिए, यहां चेन रूल लगा लिए तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y किसके रेस्पेक्ट में होगा, y के ही रेस्पेक्ट में होगा, फिर चेन रूल dy by dx, ये क्या हो जाएगा, दूसरा वाला बाहर log x बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू dx, u इंटू वी बस लगा रहा हूं,
फिर साइन एक्स बाहर, पहला वाला बाहर, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। एक मिनट, अब देखिए, लॉग डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग समोसा विथ रेस्पेक्ट टू समोसा इज इक्वल टू वन अपॉन समोसा, तो वन बाई वाई, वन अपॉन समोसा मतलब वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इधर देखिए क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वन बाई एक्स, भाई एक्स एक्स मत कटा देना, वो एंगल में है। अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो वाई इंटू वाई इंटू, एक काम करते हैं पहले किसको लिखा जाए, कॉस एक्स को पहले लिख लिया जाए, कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। अब वाई की वैल्यू क्या थी उसको आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, एक्स का पावर साइन एक्स, ये है आंसर। डिफरेंशिएशन ऐसा चीज़ है जिसमें आप लोग आंसर का चिंता करने का जरूरत ही नहीं, अलग अलग मेथड से चलिएगा तो अलग अलग फॉर्म में आंसर आएगा, मेरे बात को ध्यान समझ, अलग अलग फॉर्म में आंसर आएगा लेकिन मतलब वही रहेगा, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट टाइप सीख लेते हैं हम लोग, एक और ये 5.5 चल रहा, 5.4 हो चुका है, 5.4 हो चुका है। अब देखिए, बोल दे कि फाइंड फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, एक क्वेश्चन है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई का पावर एक्स बराबर एक्स सॉरी प्लस एक्स का पावर वाई प्लस एक्स का पावर एक्स बराबर, ये दे दिया है ए का पावर बी। अभी तो सिंगल सिंगल देता था, ठीक है, अब सिंगल नहीं है। एक मिनट क्वेश्चन मिला लेने दीजिए मेरे को, हाँ ठीक है। अब देखिए, ये आसान नहीं है जैसे हलवा था सब, जैसे मिलता था वाई का पावर एक्स बराबर ए का पावर बी, तो हम लोग क्या कर देते थे, टेकिंग लॉग, तो क्या आता था, लॉग वाई का पावर एक्स बराबर लॉग ए का पावर बी, आप लोग फिर इसको लिखते थे एक्स लॉग वाई बराबर बी लॉग ए। यहाँ वैसा नहीं हो पाएगा, मैं करके आपको दिखाता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर टेकिंग लॉग करेंगे, टेकिंग लॉग, तो ये क्या होगा, लॉग, देखिए बहुत लोग गलती क्या करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत लोग ऐसा करते हैं, लॉग वाई का पावर एक्स प्लस लॉग एक्स का पावर वाई प्लस लॉग एक्स का पावर एक्स बराबर लॉग लॉग ए का पावर बी, ये गलती कर दी आप लोग। भाई इस पूरे का दोनों साइड लॉग लेना है, तो बस लॉग ला के लगा देना है, तो लॉग इस पूरे का लेंगे हम लोग, ये गलत हो जाता है, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा, ये गलत है। बहुत लोग ये गलती कर देते हैं, समझते हैं आसान है, कर दिए, हो गया गलती, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, टेकिंग लॉग करेंगे, तो लॉग क्या हो जाएगा, वाई का पावर एक्स प्लस एक्स का पावर वाई प्लस एक्स का पावर एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ए का पावर बी। अब इसका बी तो बाहर आ जाएगा, अब इन सब का पावर कैसे बाहर आ जाएगा, आप तो ऐसा कुछ सीखे ही नहीं है कि लॉग ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, नहीं सीखे हैं, मतलब ऐसे भी लॉग नहीं ले सकते हैं। ये भी हम लोग करके कुछ लॉग सही लिए हैं, लेकिन ऐसे हमारा सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, बात समझ आ रही है, ऐसे हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो अब सर क्या करें हम लोग, अब हम लोग क्या करें, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। अब मान लीजिए लेट यू बराबर y का पावर x, v बराबर इसको u, इसको u मान ली, इसको मान लीजिए इक्वेशन वन, v बराबर x का पावर y, u v w, w बराबर x का पावर x, अब फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, अब वन को आप क्या लिख सकते हैं, u प्लस v प्लस w इज इक्वल्स टू a का पावर b, ठीक है भाई, इसके जगह पे u लिख दिया, इसके जगह पे v लिख दिया और इसके जगह पे w लिख दिया। अब क्या कीजिए आप, सीधे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स किसका, u प्लस v प्लस w का बराबर d बाई डी एक्स किसका,
ए का पावर बी का। अब ए का पावर बी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो ये क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये जीरो। इसको मान लीजिए इक्वेशन टू, ठीक है, समझ आ रहा है, इसको इक्वेशन टू ले लीजिए। अब क्या सर आगे, अब क्या, अब ब्लैक मार्कर ले लिया जाए, ठीक है। तो मतलब अब आपको डी यू बाई डी एक्स चाहिए, तो अब देखिए यू बराबर, इधर यहाँ लिख रहा हूँ, यू बराबर क्या है, वाई का पावर एक्स, तो अब आपको क्या निकालना है, डी यू बाई डी एक्स। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, जैसे वाई बराबर साइन एक्स का पावर साइन एक्स आया था, ठीक है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, फंक्शन का पावर फंक्शन, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ आ रहा है, तो हम लोग क्या करते थे इस केस में, टेकिंग लॉग ले लेते थे ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग यू बराबर लॉग वाई का पावर एक्स, तो लॉग यू बराबर क्या हो जाता है, एक्स बाहर पावर बाहर लॉग वाई। अब हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग यू विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू लॉग वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो लॉग यू माने लॉग समोसा के ही रेस्पेक्ट में होगा, चेन रूल लगा लीजिए भैया, चेन रूल लगा ली, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग यू विथ रिस्पेक्ट टू डी यू फिर डी यू बाई डी एक्स बराबर इधर क्या लगाएंगे आप यू इंटू वी, तो लॉग वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई किसके रेस्पेक्ट में होगा, डी वाई के रेस्पेक्ट में, फिर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे आ क्या रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे आ रहा है एक्स इंटू डी लॉग वाई बाई डी एक्स। अब लॉग समोसा के रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में होगा नहीं, तो यहाँ वाई लगाएं फिर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये देखिए लॉग यू का विथ रेस्पेक्ट टू यू वन बाई यू फिर डी यू बाई डी एक्स बराबर इधर देखिए क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो लॉग वाई प्लस एक्स इंटू लॉग वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई वन बाई वाई और ये डी वाई बाई डी एक्स। तो अब देखिए डी यू बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स यू को उधर भेज दीजिए, यू आया यहाँ, अंदर क्या हो जाएगा लॉग वाई प्लस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यू की वैल्यू को पुट कर देंगे वाई का पावर एक्स, बात समझ आई। ऐसे ही हम लोग एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे, उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। आपने क्या निकाल लिया, डी यू बाई डी एक्स निकाल लिया, अब हमको डी वी बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है, वैसे ही निकालेंगे, इसको मिटाल रहा हूँ, इसको भी मिटाल दिया जाए। अब क्या निकाला जाए, v बराबर क्या है, v बराबर क्या था, दूसरा वाला फंक्शन क्या था, एक सेकेंड, क्वेश्चन तो मिटाल दिया मैंने, v बराबर था x का पावर y, v बराबर था x का पावर y, इसको भी वैसे ही करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग v बराबर लॉग x का पावर y। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं, ये चलिए आप लोग के खातिर लॉग v बराबर y लॉग x। अब ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग, समझ रहे हैं ना, हम लोगों ने ये निकाला, अब ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे और इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी लॉग वी वी के रेस्पेक्ट में होगा, फिर डी वी बाई
डी एक्स, चैन रूल मैंने डायरेक्ट लगा दिया। अब यहाँ डायरेक्ट अगर इन दोनों में लगा दूँ तो वाई इंटू डी लॉग एक्स बटा डी एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई वी डी वी बाई डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, वाई इंटू वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, v को आपने इधर भेजा, y बाई एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। वी की वैल्यू क्या है, x का पावर y, इसको आप लोग रख दीजिए, तो डी वी बाई डी एक्स भी मिल गया, डी यू बाई डी एक्स भी मिल गया। अब हम लोग क्या चाहिए, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहीं पे, बस मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो w बराबर क्या है, x का पावर x, टेकिंग लॉग किएंगे करेंगे, ये u को रिप्लेस कर दीजिए w से, w से x log x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आया w, ठीक है, ये यहाँ आया x, ये w, ये w। अब मेरे को फ़ायदा है भाई, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, log x dx एक्स बाई डी एक्स। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, x इंटू log x, अब किधर मिटाला जाए, इधर ही मिटाल देता हूँ यहाँ पे, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ वन बाई डब्लू डी डब्लू बाई डी एक्स बराबर log x, और ये वन हो जाएगा, तो log x प्लस x इंटू, ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स, ये x x कैंसिल, w को आप इधर भेज देंगे यहाँ पे, w को यहाँ पे भेज देंगे, तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, w का वैल्यू क्या है, x का पावर x, और ये क्या हो जाएगा, वन प्लस log x, वन प्लस log x, ठीक है। तीसरी वैल्यू भी मिल गई हम लोग को, एक दो तीन, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू, अब इक्वेशन टू से चलिए आप, तो डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, वाई का पावर एक्स लॉग वाई, ये लंबा जाने वाला है थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा जगह बना के हम लोग लिखते हैं, डी यू बाई डी एक्स वाई का पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, याद है ना क्या फाइंड करना है, भूल थोड़ी गए, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, प्लस ये किसका वैल्यू है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, तो एक्स का पावर वाई, वाई बाई एक्स लॉग एक्स। फिर एक मिनट, ये बीच में कुछ प्लस वगैरह था क्या, हाँ शायद बीच में प्लस होगा, y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, हाँ प्लस होना चाहिए बीच में, प्लस log x डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस x का पावर x वन प्लस log x, ये सब इज इक्वल टू जीरो, देख रहे हैं ना, डी यू प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स बराबर जीरो, बस इसमें रख दिया। अब इसको आप लोग कॉमन लेके कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स जिस जिस टर्म से है, डी वाई बाई डी एक्स को आप लोग कॉमन निकाल लीजिए, किस किस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम लोग एक काम करते हैं, सबको खोल के लिख देते हैं, ठीक है, सबको खोल के लिख दीजिए, तो y का पावर x log y प्लस y का पावर x इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस, आप लोग डायरेक्ट भेज सकते हैं क्या, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व कर लेंगे,
ठीक है, मैं खाली dy बाई डी एक्स वाले टर्म को इधर लिख रहा हूँ, तो dy बाई डी एक्स वाला कौन है, ये है y का पावर x इंटू एक्स, अगर बाउंस करे खुद से सॉल्व कर लेना आ जाएगा, प्लस log x, इन दोनों के बाहर क्या आया, एक सेकेंड ये आ गया x का पावर y log x, दोनों के बाहर आ गया dy बाई डी एक्स। अब बाकी सारे टर्म्स को उधर भेज देंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा y का पावर x log y, फिर माइनस हो गया ये, फिर माइनस x का पावर y y बाई एक्स, फिर यहाँ माइनस x का पावर x 1 प्लस log x। आप लोग आंसर देख लीजिएगा, उसी फॉर्म में सेट कर लीजिएगा जिस फॉर्म में दिया है। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो ये बाकी को उधर भेज देंगे, बात समझ आ रही है, बाकी को उधर भेज देंगे। अब ये पूरा माइनस है तो पूरे में से माइनस कॉमन लीजिए, ये क्या हो जाएगा y का पावर x log y, सारे टर्म्स को आप लोग सजा के लिख लीजिए, फिर प्लस सबका माइनस बाहर निकाल लीजिए, प्लस अब देखिए y इंटू एक्स का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ y ये देखिए a का पावर m बटा a का पावर n बराबर क्या होता है, a का पावर m माइनस n होता है, तो वैसे ही x का पावर ऊपर y है नीचे 1 है, तो y माइनस 1, फिर माइनस इसको वैसे ही लिख दिए x का पावर x 1 प्लस log x ब्रैकेट क्लोज अपॉन, इसको नीचे भेजिए, ये क्या हो जाएगा x इंटू वाई का पावर x माइनस 1, इसको y का पावर x माइनस 1 प्लस x का पावर y log x, आंसर चेक कर लिया जाए, y का पावर x log y ठीक है, y इंटू x का पावर y माइनस 1 ठीक है, वो भी ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस है, फिर x इंटू y का पावर x माइनस 1, फिर x का पावर y log x, सही है, ये आ गया आंसर। तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, तो ये लंबा चौड़ा है थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे, तो ये एक्सरसाइज 5.5 हो जा रहा है, 5.6 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। कितना टाइम हो गया, 1 घंटा 12 मिनट हो गया, इसीलिए ठीक है यहाँ क्लोज कर देते हैं इसको लेक्चर को। अभी हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन नेक्स्ट क्या है आपका, एक सेकेंड, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स, पैरामेट्रिक फॉर्म्स में रहेगा, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है वो देखेंगे हम लोग, फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज हम लोग देखेंगे, ठीक है, उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्सिमम मिनिमा ये सब शुरू होगा, खैर वो जब शुरू होगा तब देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।